सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को प्रकाश भिंडराल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की इंक्वायरीज का आंसर करना चाहेंगे जो अभी चाइना फ्लाई करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सभी स्टूडेंट्स जो 2019 बैच तक हैं, उन सभी स्टूडेंट को सिर्फ कैंपस रिटर्न के लिए आपको NOC चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2020 या 2021 या 2022 में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर की हार्ड कॉपी और आपके JEE 2022 की हार्ड कॉपी आपको चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कंसर्न ये भी है कि हम कब तक वहाँ जा पाएंगे। उसके लिए कल यानी कि 24 अगस्त से बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट मिलना शुरू होगा, तो हमें एक या दो दिन में पता लगेगा कि एक दिन में कितने स्लॉट्स के थ्रू कितने स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। मान लीजिए यदि एक दिन में सिर्फ 100 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया या मान लीजिए 500 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20,000 बच्चों को अपॉइंटमेंट मिलकर बायोमेट्रिक कंप्लीट करने में कितना टाइम VFS लेगी या हमें एम्बेसी वीज़ा देने में लगाएगी। जब तक हमें स्लॉट्स का नहीं पता लगेगा, एक दिन में कितनी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही हैं वो नहीं पता लगेगा, तब तक हम लोग कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप मानकर चलिए सितंबर से लेकर अक्टूबर तक बच्चे चले जाएंगे सभी। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि टिकट्स बहुत महंगी आ रही हैं। अब जितने भी एप्लीकेशंस पे आप टिकट देखेंगे वो शेड्यूल फ्लाइट नहीं है, वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, तो वो आपको 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख रुपये तक शो करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके वीज़ा स्टार्ट होते हैं और वीज़ा मिलना शुरू हो जाएंगे बहुत स्टूडेंट्स को, तो चार्टर फ्लाइट्स बुक की जाएंगे। चार्टर फ्लाइट्स के जो फेयर होंगे, जो हम एज्यूम करते हैं, वो 30,000 या 40,000 के बीच में होंगे। और मीन वाइल मान लीजिए सितंबर मिड तक शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो जाती है, रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाती है, तो हो सकता है वही आपके जो 20,000 से 25,000 रुपये के फेयर्स जो पहले थे वही फेयर में आपको टिकट्स मिल सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वहाँ जाने के बाद हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या लग सकते हैं। तो क्वारंटाइन को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा है कि 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। तो जैसे हमने पुराने वीडियोस में बताया था कि क्वारंटाइन के लिए आपको जो सेंट्रल क्वारंटाइन आपका होगा उसके लिए 330 युआन से लेकर 550 युआन आपको पे करना है, 3-star, 4-star, 5-star होटल की कैटेगरी के हिसाब से। 7 दिन आपको रहना है, तो आप मान के चलिए 25,000 to 30,000 से शुरू होकर आपका 50,000 or 60,000 रुपीज़ तक जा सकता है। एज़ पर योर बजट आप अपना होटल चूज़ कर सकते हैं। और 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपका यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद होगा। जो भी स्टूडेंट्स की कुछ और क्वेरीज हैं जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए हैं, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप हम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप अपनी क्वेरी पूछें। हो सकता है सेम क्वेरी दूसरे स्टूडेंट या पेरेंट्स की हो। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं बताना नहीं भूलिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।